हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन आता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 144, जो कि बात करता है कि कौन से ऐसी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि ऑडिटर आपका रेंडर नहीं कर सकता। मतलब ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोहिबिटेड सर्विसेज। मतलब ऐसी सर्विसेज जो कि ऑडिटर जो है, जो ऑडिट तो कर ही रहा है, लेकिन अगर बोर्ड उसको कहता है तो भी वो ऐसी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करता। और अगर वो करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो उस कंपनी का कंपनी ऑडिटर नहीं रह जाएगा, उसको ऑफिस को वैकेट करना पड़ जाएगा, बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि भैया जो एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है इस एक्ट के अंदर, वो चाहे तो और भी एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जो कि बोर्ड अप्रूव करता है, लेकिन इंक्लूड मतलब कुछ एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज बताई गई है सेक्शन 144 के अंदर, वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब अदर देन दिस लिस्ट ऑफ सर्विसेज एनी सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर ऑन दी अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अगर बोर्ड अप्रूव कर दे तो अप्रूवल के बिहाफ पे आपका ऑडिटर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो इस लिस्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर के नहीं होने चाहिए। अब क्या है लिस्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका जिसमें कहा जाता है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। मतलब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की सर्विसेज एक ऑडिटर नहीं दे सकता उस कंपनी में जहां पे वो ऑडिट कर रहा है। इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता वो ऑडिटर, मतलब एक कंपनी ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि अगर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है रिलेटेड टू फाइनेंस जिसका डिजाइनिंग वर्क चल रहा है या उसका इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है कंपनी के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी हेल्प नहीं कर सकता फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। क्यों? क्योंकि वो भी फिर अगेन उसकी बाइसनेस को मतलब एक तरीके से तंग करेगा, जो भी उसकी बाइसनेस थी वो नहीं रह जाएगी, जो उसकी इंडिपेंडेंस थी वो नहीं रह जाएगी। एक्चुरियल सर्विसेज होती हैं, अगर आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अलॉन्ग विद दैट उसके पास एक्चुरियल भी कोर्सेज उसने किए हुए हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी वो कॉम्पिटेंट है, तो वो व्यक्ति वो वैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड उसको नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है, वो सर्विसेज नहीं दी जा सकती इसके द्वारा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज है, वो भी प्रोहिबिटेड के अंदर आती है। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई आउटसोर्सिंग की है, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि आउटसोर्स के थ्रू आप देना चाहते हो तो वो भी आप नहीं दे सकते हो। मैनेजमेंट सर्विसेज हैं तो वो भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। और उसके बाद लास्ट आता है आपका एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो कि अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। जैसा कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ, ये एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स होता है जिसको कि कभी भी चाहे तो फिल किया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा एक रखा होता है एट द एंड कि एनी अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब विच इज नॉट येट प्रिस्क्राइब। ओके, तो ये कुछ सर्विसेज बताई गई जिसको कि प्रोहिबिटेड माना जाता है। मतलब इस टाइप की सर्विसेज जो है वो आपका ऑडिटर नहीं प्रोवाइड करेगा, अगर प्रोवाइड करेगा तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर कवर हो जाएगा। इसी चीज को यहां पे पिक्चराइज किया गया। एंड अब कुछ एक्सप्लेनेशन आई, एक्सप्लेनेशन क्या आई है कि जो ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज है ये क्या खुद प्रोवाइड नहीं करेगा? अच्छा, खुद तो नहीं करेगा, ये बात समझ में आती है। तो अब ऑडिटर सोचता है कि यार ऐसा करते हैं कि मैं खुद प्रोवाइड नहीं करता हूं, मैं किसी और से प्रोवाइड करा देता हूं, जो कि उसके जानने में उसका कोई रिलेटिव है, उसका कोई पार्टनर है, वो इस टाइप की सर्विसेज देता है, वो उसकी कोई कंपनी है जहां का वो डायरेक्टर है सपोज, वो कहता है कि जी अपनी कंपनी से प्रोवाइड करा देता हूँ सर्विसेज को, उस सामने वाली कंपनी को सर्विस चाहिए, उसने हमसे पूछा, हमने कहा अच्छा जी हम तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारा एक्ट मना करता है, मैं ऐसा करता हूँ, एक कंपनी है जहां पे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं उनसे कहता हूँ वो आपको सर्विसेज दे देंगे। या फिर एक कंपनी है जहां पे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब कि वहां पे मेरे पास 25% ज्यादा की शेयर वोटिंग है, मेरे पास वोटिंग राइट्स है, मेरे पास शेयर होल्डिंग है, ऐसी कोई कंपनी है उस कंपनी से मैं बात करता हूँ वो आपको सर्विसेज दे देंगे। तो इस टाइप की कोई एक्टिविटी अगर करता है तो वो भी माना जाएगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑडिटर ही इन्वॉल्व है और वो भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू, जहां पे कि कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑडिटर इंडिविजुअल है तो वो खुद तो देगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, खुद तो वही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ही ना, ही वो अपने रिलेटिव से करवाएगा, ना ही वो किसी और पर्सन से कराएगा जो भी उससे कनेक्टेड है या उससे एसोसिएटेड है, ना ही वो किसी ऐसी एंटिटी से करवाएगा जिसके अंदर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और ना ही वो किसी ऐसी एंटिटी से करवाएगा जिसका कि वो ब्रांड नेम या फिर उसका कह लो आप ट्रेडमार्क यूज कर रही है, वो इंडिविजुअल के द्वारा यूज किया जा रहा है। सेम टू सेम रेप्लीकेट हो जाता है ऑडिटर फॉर्म के अंदर भी। और इसको इस पैराग्राफ से पढ़ने से बेटर है कि आपको बड़े अच्छे से पिक्चर में बताया गया, क्या बताया गया कि इन केस ऑफ ऑडिटर बीइंग इंडिविजुअल तो क्या क्या वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली में क्या कवर होगा कि सेल्फ, ये तो डायरेक्टली हो गया, थ्रू रिलेटिव तो भैया वो भी आपके प्रोहिबिटेड में ही है, थ्रू रिलेटिव भी करोगे तब भी आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अदर पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सर्च इंडिविजुअल, मतलब उस इंडिविजुअल से कोई भी कनेक्टेड पर्सन है, लाइक उसका पार्टनर हो सकता है, उसका कोई रिलेटिव का कोई रिलेटिव हो सकता है, दूर का रिलेटिव जिसे कहते हैं, किसी भी तरीके से अगर कनेक्टेड है तो वो भी आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा।
कोई भी ऐसी एंटिटी जहां पे इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस या कंट्रोल का मतलब आपने पीछे पढ़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि अगर उस कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से 25% या उससे ज्यादा की उसकी शेयर होल्डिंग होती है, तो वो सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस के अंदर आ जाता है। अच्छा जी, फिर कहा जाता है कि कोई भी एंटिटी जिसका कि नाम या ट्रेडमार्क या कोई ब्रांड यूज करता है वो इंडिविजुअल, तो वैसी एंटिटी भी मानी जाती है कि उसी की पेरेंट एंटिटी है, तो उस एंटिटी को भी वो इन्वॉल्व नहीं कर सकते इस सर्विसेज के लिए, और करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। फर्म की बात करें तो भैया फर्म डायरेक्टली खुद नहीं कर सकती है इन्वॉल्व, वैसी सर्विसेज नहीं दे सकती, ना ही कोई पार्टनर दे सकता है उस फर्म का, ना ही पेरेंट ऑफ फर्म दे सकती है, ना ही सब्सिडरी ऑफ फर्म। पेरेंट ऑफ फर्म मतलब कि कोई हमारी ऐसी फर्म है जिससे हम एसोसिएटेड है, विच इज हम क्या है वहां पे पेरेंट, और हमारे अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज फॉर्म होती है, या फिर अगर हम खुद सब्सिडरी फॉर्म है, जैसे कि कंपनी के अंदर चलता है पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी, ऐसा फॉर्म के अंदर भी चलता है, तो ना ही पेरेंट ऑफ फॉर्म ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी, ना ही सब्सिडरी ऑफ फॉर्म कर पाएगी, ना ही एसोसिएट एंटिटी ऑफ फॉर्म कर पाएगी। जैसा आपने देखा है कई सारे एसोसिएट्स होते हैं आपस में, इंटरलिंक्ड होते हैं फॉर्म्स, तो वैसे एसोसिएट एंटिटी जो होती है वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं दे पाएगी इस टाइप की सर्विसेज जहां पे कि फॉर्म का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं दे पाएगी ऐसी सर्विसेज जहां पे कि उस फॉर्म के पार्टनर्स का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल हो। उसके बाद कहा जाता है कि कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं दे पाएगी जिसका कि नाम ब्रांड या ट्रेडमार्क यूज कर रही है वो फॉर्म या फिर उसके पार्टनर्स, उसको यूज करते हुए काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके रिलेटेड एंटिटीज के अंदर ही आती है, तो वैसी एंटिटी भी ये सर्विसेज नहीं दे सकती, और अगर देती है तो एज अ कंपनी ऑडिटर आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे वहां पे। तो दिस इज सेक्शन नंबर 144 एमसीक्यू, एक छोटा सा आप खुद से इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये सेक्शन 144 की पूरी पूरी बातें थी, जिसके अंदर आपको बस ध्यान रखना है वो लिस्ट ऑफ सर्विसेज, ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज आपको कहीं ना कहीं याद कर लेनी है, ये जो डायग्रामेटिकली यहाँ पे बताया गया है इसी से रिलेटेड, याद नहीं भी करना है बस आपको ये बताना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ताकि आपके अगर क्वेश्चन के अंदर आता है तो आप उसके बेस पर डिसीजन ले पाओगे और अपने आंसर को लिख पाओगे कि भैया ये सर्विसेज आपकी 144 के अंदर कवर हो जाती है, दैट मीन्स ये प्रोहिबिटेड है, तो ये प्रोवाइड नहीं कर सकता हमारा कंपनी ऑडिटर। ठीक है, तो इस एंगल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ इन सर्विसेज के रिलेशन में। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 144, कुछ रिमेनिंग सेक्शंस आपके पास थोड़ी बहुत रह गए हैं, उसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करके इसको रैप अप कर लेंगे।